जितना जो समाज में ज्यादा घिरा हुआ है उसको उतना ही टाइम निकालना पड़ेगा अपनी साधना के लिए डेडिकेटेड। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ सत्संग में कि हाउस होल्डर, वी आर ऑल हाउस होल्डर्स, हाउस होल्डर्स को ये प्रिस्क्राइब किया गया है क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जो लोग मॉनेस्ट्रीज और आश्रम में रह रहे हैं उनके लिए तो आसान है, वो तो उसी जगत से घिरे हुए हैं हमेशा, ज्ञान के जगत से, बट हम परिवार में हम कैसे करें, तो उसके लिए ये प्रिस्क्राइब किया। तो दो समय हमेशा प्रिस्क्राइब किए, एवरी डे फ्यू आवर्स, वो आप अपने स्केड्यूल में देख लो कितना हो सकता है, वो रोज का समय चाहिए आपकी अपनी पर्सनल साधना के लिए। इट कुड बी एनीथिंग, मैं ये कमरा लॉक करके म्यूजिक लगा के तेज पागलों की तरह डांस करूंगी, या मैं यहाँ शांति से चुप बैठूंगी, या मैं दिया जला के यहाँ चुपचाप बैठूंगी, किताब पढ़ूंगी, कुछ भी करूंगी, बट वो दो घंटे मेरा सीक्रेट टाइम। और हर महीने कुछ दिन, वो तीन भी हो सकते हैं, वो पांच भी हो सकते हैं, वो आपको डेडिकेटेड चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। अगर मैं हर महीने तीन दिन साधना के लिए निकालता हूँ, किसी रिट्रीट पे चला जाता हूँ, किसी आश्रम में जाके बैठ जाता हूँ, या कहीं किसी नदी के किनारे जाके बैठ जाता हूँ, दोज थ्री डेज विल स्टार्ट टू रीजनरेट मी इन द सेंस कि मैं अगले 27 दिन को झेल पाऊंगा बिना नेगेटिवली इफेक्ट हुए। तो रोज की कोई भी एक दो घंटे की प्रैक्टिस, या अपने साथ बैठना, चाय चाय पीना, उस समय सिर्फ आप चाय पी रहे हो, आप फोन टीवी कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ समय आप अपने लिए निकाल रहे हो जिसमें आप हर एक्शन को ध्यान से देख रहे हो। और हर महीने आप कम से कम दो तीन दिन अपने साथ के लिए निकालो, जहां जाना चाहते हो वहां आप जाओ, बट योर सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो वो फॉर्मेट चेंज होना चाहिए। लोग कहते हैं कि क्या घर में बैठ के नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते घर में बैठ के, नहीं होता ये, अभी नहीं होता। ये ब्रेक अगर नहीं लोगे और आप सोचो कि इसी सिचुएशन में सब चीजें घटने लग जाएंगी, नहीं होगा। आपका आपके आसपास के लोगों के साथ एक ये कम्युनिकेशन चाहिए। आज तो आप एक माँ या बीवी या पति बन के जी रहे हो, सिर्फ एक कम्युनिकेशन चाहिए, मैं जिन पांच लोगों के संसार में जी रहा हूँ, कि यार मुझे अंदर से कुछ प्यास आती है, कुछ पुकार आती है, कुछ प्रश्न आते हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए। कोई रिलेशनशिप ऐसा होगा जो कहे नहीं मैं तुम्हें दो घंटे नहीं दूंगा दिन, तुम मेरे स्लेव हो, तुम बस जैसे मैं बोलूं वैसे करो। आज के युग में थैंकफुली ऐसे रिलेशनशिप नहीं है, आज हम थोड़े फ्री हैं, बट आपकी ईगो इतनी स्ट्रांग है, आपकी मतलब हम सबकी, कि हमें लगता है कि हमारे बिना तो संसार एकदम खत्म हो जाएगा। मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी तो मतलब मेरा तो पूरा घर भूखा जाएगा, आज बड़ा पाप हो जाएगा। हमने ऐसी चीजें अपने ऊपर, अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट बना लिया हमने। आज आप सीन से निकल जाओ, आज ये शरीर छोड़ दूं मैं, तो क्या मेरा घर परिवार समाज चलना बंद हो जाएगा क्या? एकदम मजे से चलेगा, आज जैसे चल रहा वैसे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये ईगो का फलसफा है कि वो अपने आप को इतना सेल्फ इम्पॉर्टेंट बनाती है कि मेरे बिना तो कुछ होगा नहीं।